हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट में रिसर्च टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि रिसर्च में से करीब 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें कौन से टॉपिक है और कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय के ऊपर है कि रिसर्च में कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं जिन्हें आप अच्छे से करके पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों पेपर फर्स्ट इतना मुश्किल नहीं है करना जितना ये हमें लगता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पेपर वो किस तरह से आता है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हम बड़ी आसानी से यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि रिसर्च में कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जून 2012 के पेपर से। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ 49 नंबर क्वेश्चन है, ये क्रियात्मक शोध से आया हुआ है यानी कि एक्शन रिसर्च से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है, उसका आंसर आएगा दोस्तों क्रियात्मक शोध। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बार बार कब रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आ गए हैं जून 2014 के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे भी आप दोबारा देख सकते हैं कि तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है, यानी कि जो जल्दी से जल्द जो अनुसंधान की जाए, रिसर्च की जाए, उसे क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये इमीडिएटली की जाती है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होगा। अगर इसके बारे में नहीं पता तो इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों अब हम मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इसी से बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए दोस्तों अब जो पीछे अपना एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2017 का, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी क्रियात्मक शोध के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्रियात्मक शोध का जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, हो सकता है ये अब की बार भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए। दोस्तों होता क्या है कि ये एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं, बात वही होती है, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अब हम और क्वेश्चन की बात करते हैं जो बार बार रिसर्च के अंदर रिपीट होते हैं और जो हमें करने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों दोबारा से हम बात करते हैं जून 2012 से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 54 है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती। ठीक है, यानी कि ये रिसर्च इथिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, शोध नैतिकता से आया है। ठीक है, हम और इसमें देखते हैं कि इथिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए दिसंबर 2012 में इन्होंने फिर से पूछ लिया, बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं हम कहाँ पे आए हैं। अब ये देखिए जून 2013 में जो क्वेश्चन है 59, यहाँ पे देखिए अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है, यानी कि आप देख सकते हैं अच्छे से कि शोध नैतिकता से क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बार बार ये रिपीट हुआ है। अब ये देखिए जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि शोध की नैतिकता के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, और हम देखते हैं, अब ये देखिए जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर भी आया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, यानी कि अगर आप एक बार शोध नैतिकता के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेते हो तो कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नवंबर 2017 का अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं कि शोध नैतिकता से किस तरह से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। ठीक है, तो आपको शोध नैतिकता रिसर्च इथिक्स करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन जानते हैं जो बार बार इसके अंदर रिपीट होते हैं और जो हमें करने की आवश्यकता है। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2012 में आया है कार्योत्तर शोध आया है। कार्योत्तर शोध जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके बारे में आपको शायद अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसमें से मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आए हैं बार बार। ये देखिए सितंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 60 है, इन्होंने फिर कार्योत्तर शोध के बारे में दे दिया, कार्योत्तर पद्धति के बारे में दे दिया। यानी कि अगर आपको एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पता है तो आप अच्छे से मिलान करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं कहाँ पे ये रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर फिर कार्योत्तर विधि दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि कहाँ पे ये रिपीट हुआ है। अब ये देखिए नवंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्होंने फिर से कार्योत्तर विधि के बारे में दे दिया, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में इन्होंने दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये मेरे से ले सकते हैं। मैंने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, जैसे रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और टीचिंग हो गया, यानी कि जितने भी 10-11 सब्जेक्ट हैं अपने, उन सभी की मैंने ऐसे अलग अलग पीडीएफ बना रखी है। 2012 से लेके 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी अलग अलग पीडीएफ बना रखी है, उनको एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस पीडीएफ की कुछ कॉस्ट हो सकती है। अगर किसी को ये पीडीएफ लेनी है तो वो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं अगला कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है रिसर्च में। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2012 में जो क्वेश्चन आया 52 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने APA फॉर्मेट के बारे में दिया है। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों ये क्या होता है, एक राइटिंग स्टाइल होता है, जो भी हम थीसिस यानी कि रिसर्च वगैरह लिखते हैं तो बाद में हम बताते हैं कि हमने कौन सा सोर्स कहाँ से लिया है, तो उसके बारे में ये दिया है। ये हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी वगैरह का। तो ये जो है APA स्टाइल दिया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये स्टाइल है। ठीक है, APA का यहाँ पे क्वेश्चन आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन और कहाँ पे रिपीट हुआ है बार बार और हमें क्यों करना ये ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2013 में फिर से रिपीट हो गया। अब की बार इन्होंने MLA स्टाइल बूझ लिया, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के बारे में इन्होंने बूझ लिया कि ये इसमें किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बूझते हैं इसमें क्वेश्चन और कहाँ पे रिपीट हुए हैं ये। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्होंने बूझा है निम्नलिखित में से कौन सी APA शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है। यानी कि APA जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में इन्होंने बूझ लिया। ठीक है, इसमें ये बूझ रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषता होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल, राइटिंग फॉर्मेट जो होते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। APA, MLA, शिकागो, इस तरह से 4 से 5 ये स्टाइल है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक तो APA स्टाइल के बारे में इन्होंने बूझा हुआ है और दूसरा इन्होंने MLA स्टाइल के बारे में बूझा हुआ था। ठीक है, और जो अगला जो स्टाइल है दोस्तों वो होता है शिकागो स्टाइल है दोस्तों। तो अब की बार संभावना बन सकती है कि अब की बार शिकागो स्टाइल के बारे में वो बूझ ले। दो स्टाइल के बारे में इन्होंने 3 बार क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने 3 बार बूझ लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन के अलावा भी रिसर्च में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन वीडियो में दिखा पाना थोड़ा असंभव है, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। फिर अगर आप PDF में देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन्हें आप अच्छे से करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और सभी सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग बनाई हुई है। पेपर फर्स्ट में अपने जितने भी सब्जेक्ट आते हैं और इनके जो आंसर है मैंने साथ के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस पीडीएफ की यानी कि इन सभी पीडीएफ की कुछ कॉस्ट हो सकती है, तो दोस्तों अगर किसी को लेनी हो तो वो मेरे से ले सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।